लोकसभा चुनाव 2019 के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। पिछले दो महीने से चल रहा रैलियों और भाषणों का दौर खत्म हो गया। आखिरी चरण में 19 मई को 8 राज्यों की 59 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई दिग्गजों ने चुनाव प्रचार में ताकत झोंकी। इस चरण में बिहार की 8, झारखंड की 3, मध्य प्रदेश की 8, पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9, चंडीगढ़ की 1, उत्तर प्रदेश की 13 और हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर मतदान होगा। वहीं लोकसभा चुनाव 2019 के लिए 23 मई को मतगणना होगी। आपको बता दें, सातवें चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था। आखिरी दिन कई दिग्गजों ने पीएम मोदी, राहुल गांधी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई दिग्गजों ने ताकत झोंकी। आखिरी चरण में 8 राज्यों की 59 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। चंडीगढ़ की 1, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर चुनाव होगा। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर भी सातवें चरण में मतदान होगा। आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे 23 मई को आएंगे। लोकसभा चुनाव के सातवें चरण का चुनाव प्रचार थम गया है। पिछले दो महीने से चल रहा रैलियों और भाषणों का दौर खत्म हो चुका है। आखिरी चरण में 8 राज्यों की 59 सीटों पर वोटिंग होगी। इस चरण में बिहार की 8 सीटों पर मतदान होगा, झारखंड की 3 और मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर भी मतदान होगा। पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर भी मतदान होगा। चंडीगढ़ की 1, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर भी अंतिम चरण में मतदान होगा। आपको बता दें कि देश में लोकसभा चुनाव 2019 के लिए 7 चरण में मतदान की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग ने तय की थी। इसी के तहत 19 मई को अंतिम चरण के लिए मतदान होगा।